नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण हम सभी केंद्रीय विद्यालय बरपेटा के शिक्षक आप सभी के लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए व आप सब तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। आप घर पर रहकर अपने माता पिता का सहयोग तो करें ही, साथ ही साथ हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियोस को भी देखें व गृह कार्य भी करें, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप गृह कार्य नहीं करेंगे तो आप एक पाठ को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे और जो हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं उम्मीदों के बीच आज मैं रविंद्र कुमार शर्मा, प्राथमिक शिक्षक केंद्रीय विद्यालय बरपेटा, आपके सामने कक्षा दूसरी का हिंदी विषय का एक पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है ऊंट चला। यह कविता मुझे व्यक्तिगत रूप से तो बहुत ही पसंद है और उम्मीद करता हूं कि आपको भी पसंद आए। कविता वाचन करने से पहले मैं आपके साथ ऊंट से संबंधित कुछ जानकारी और रोचक तथ्य साझा करना चाहूंगा। तो यह पाठ जो कि ऊंट से संबंधित है, हमें ये कविता पढ़ने से पहले या इस कविता का वाचन करने से पहले ऊंट से जुड़ी कुछ जानकारियां साझा कर लेनी चाहिए और उनके ऊपर कुछ बात कर लेनी चाहिए। तो इस में मैं आपसे ऊंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहा हूं। जैसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि इसका जीवन रेगिस्तानी परिस्थितियों के लिए पूर्णतः अनुकूलित होता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये सभी को ही पता है। तो इसका क्यों होता है, रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ऊंट जो है वो प्राकृतिक रूप से रेगिस्तानी परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमारा है, ऊंट बिना पानी पिए 20 दिन तक जीवित रह सकता है। ये कितनी अद्भुत बात है ना बच्चों। हम लोग कुछ घंटों के लिए भी ना पानी पिए तो हमें थोड़े परेशानी का अनुभव होता है, लेकिन ऊंट जो है वो बिना पानी पिए 20 दिन तक जीवित रह सकता है। और ऊंट प्यासा हो तो एक बार में 100 लीटर से अधिक पानी पी सकता है। आप एक दिन में कितना लीटर पानी पी सकते हैं बच्चों? मुश्किल से मुश्किल, जहां तक मेरा अंदाजा है, 4 से 5 लीटर पानी हम लोग एक दिन में पी सकते हैं। लेकिन ऊंट अगर प्यासा हो तो एक बार में कितना लीटर पानी पी सकता है? 100 लीटर पानी। जैसा कि आपके घरों पर छत पर, घरों की छत पर पानी की टंकियां होती है ना, तो उससे आधा पानी वो एक दिन में या एक बार में पी सकता है। और ऊंट को, अगला पॉइंट है, ऊंट को बहुत कम पसीना आता है। ऊंट को बहुत कम पसीना आता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से पानी का ह्रास ही नहीं होता या पानी की कमी नहीं होती उसके शरीर में। इसी वजह से भी वो बिना पानी पिए काफी दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो ऊंट रात को 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे तक सोते हैं और ये खड़े खड़े भी सो सकते हैं। क्या आप खड़े खड़े सो सकते हैं बच्चों, या बैठे बैठे? नहीं, हमें सोने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ता है और तभी हम सो पाते हैं। लेकिन ऊंट को, ऊंट खड़े खड़े भी सो सकते हैं। अगला पॉइंट है, ऊंट सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। वे जब भी आपस में मिलते हैं झुक कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। सामाजिक प्रवृत्ति मतलब वो सोशल बिहेवियर अपना दिखाते हैं। जैसे आप लोग दिखाते हैं, जैसे आप लोग अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तो आप नमस्कार करते हैं, हाय हेलो करते हैं, उनसे हैंडशेक करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो इस तरह से ऊंट भी अपनी सामाजिक प्रवृत्ति दर्शाते हैं और जब भी एक दूसरे को मिलते हैं तो झुक कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। कितनी मजे की बात है ना बच्चों, आपको पहले ये बात पता थी क्या? अगला पॉइंट है, ऊंट के दूध में अन्य पशुओं के दूध की तुलना में अधिक विटामिन सी व आयरन होता है। तो ऊंट के दूध जो है वो अन्य पशुओं के दूध की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है। और जैसे कि अन्य दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि से ये इस ऊंट का दूध श्रेष्ठ माना जाता है और काफी अच्छी चीजों से भरपूर माना जाता है, जैसे विटामिन सी और आयरन। तो अगला है, भारत के लगभग 80% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान हमारे देश का ही एक राज्य है।
आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने राजस्थान के विषय में बहुत कुछ सुन रखा होगा। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं, 80% यानी कि 80% जो ऊंट है वो कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? राजस्थान में पाए जाते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु भी है। जैसे असम का राजकीय पशु या राज्य पशु क्या है? एक सींग वाला गैंडा, जो कि आप सब जानते हैं। तो ऐसे ही राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है, जिसे कि 2014 में, अभी 6 साल पहले ही राज्य पशु घोषित किया गया है। तो अब इसके बाद उम्मीद है कि आपको ये तथ्य, सभी तथ्य पसंद आए होंगे और आप इन्हें याद भी रखेंगे। तो चलिए अब हम ऊंट चला कविता की एक संगीतमयी प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, कविता आनंद का विषय है, अतः खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ इस कविता को आप सुनिए और मन ही मन गुनगुनाइए। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंट चला भाई 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 ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई 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 ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला, पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंट चला भाई 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 ऊंट चला। बालू है तो ढोने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, ऊंट चला भाई 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 ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट किस करवट बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट किस करवट बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट किस करवट बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला ऊंट चला भाई ऊंट चला, बता सकेगा कौन भला
ऊंट चला भाई ऊंट चला, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, 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 ऊंट चला भाई। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? आप इस कविता को उचित लय के साथ याद करके अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी व भाई बहनों को भी सुना सकते हैं। चलिए अब हम वाचन या बोलते समय जो गलतियां हमारे द्वारा की जाती हैं उन पर चर्चा करते हैं। ये देखा गया है कि बच्चे हिंदी भाषा को बोलते समय बहुत सी गलतियां करते हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं किंतु शब्द के अर्थ को बदल सकती है। हमें उन पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर मैं हमारे विद्यालय के छात्रों द्वारा सामान्य तौर पर की जाने वाली गलतियों के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। हमने सामान्य तौर पर देखा है कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे हैं वो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं बोलने में। वो जानते हैं वो गलती कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो गलती करते हैं, तो इस पर हमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए हम कुछ ऐसी गलतियाँ या त्रुटियों के बारे में बात करते हैं जो हम वाचन के समय या बोलने के समय करते हैं। जैसे पहली गलती, जो सबसे पहली गलती हमारे विद्यालय के बच्चे करते हैं वो है त और ता में भेद ना कर पाना। जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं, जैसे अभी इसी कविता की बात ले तो ऊंट चला भाई ऊंट चला, तो उसको ऊंट को वो क्या बोलेंगे, ऊत चला। वो ट जो वर्ण है उसको क्या बोलते हैं, त बोलते हैं। ऊत चला भाई ऊत चला, जो कि बिल्कुल गलत है। ट का उच्चारण पूर्ण रूप से ट होना चाहिए। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। तो सबसे पहली जो गलती है जो हम करते हैं उसको बड़े ध्यान हमें रखना चाहिए, उसका ट और त में भेद करना हमें आना चाहिए। अब दूसरी जो गलती मुख्य रूप से हम करते हैं, हमारे विद्यालय के जो बच्चे करते हैं, च और स में भेद ना कर पा। हम च और स में अंतर या कोई डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक बोल रहे हैं और जबकि वो हिंदी भाषा की दृष्टि से गलत होता है। जैसे हमारे बच्चे, अधिकतर विद्यालय के बच्चे चम्मच को सम्मस सम्मस करके बोलते हैं, जो कि सर्वथा गलत है, जो कि गलत ही माना जाएगा। जैसे अगर इस कविता के बारे में बात करें तो चला को सला बोलेंगे, ऊत सला भाई ऊत सला, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कुछ हम शब्द बोलेंगे लेकिन उसका मतलब कुछ और होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको गलत बोलेंगे उन वर्णों को तो उनका अर्थ कुछ और हो जाएगा। तो ये दूसरी गलती है। पहली गलती थी ट और त में भेद ना कर पाना, दूसरी गलती है च और स में भेद ना कर पाना। तो तीसरी जो मुख्य गलती हमारे बच्चे करते हैं वो है झ और ज में भेद ना कर पाना। झ और ज दोनों अलग अलग हैं बच्चों, झ और ज, झ से झंडा ज से जहाज। तो जैसे अगर इस कविता के बारे में बात करें, बोझ को बोझ बोलना, बोझ को बोझ बोलना, ऐसा देखा गया है बच्चे झंडा को झंडा बोलते हैं, झंडा हमारा राष्ट्रीय झंडा, झंडा नहीं बच्चों झंडा होता है, झंडा झ ना कि ज, तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली जो गलती हम करते हैं, ढ को द बोल, ढ को द बोलना। देखिए लिखने में थोड़ी सी ही थोड़ा सा ही अंतर है, थोड़ा सा ये नीचे निकाल देते हैं बच्चे, जैसे ये द में निकला हुआ है तो उसको बच्चे को लगता है कि ये ठीक है ये ढ ही है, लेकिन ढ को ध है। ढोना को दोना बोलते, इसी वजह से बच्चे ढोना को क्या बोलते हैं, दोना। लेकिन बच्चों ढ को द नहीं बोलना है, ढ ढ है द द है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन त्रुटियों से बचने के लिए हमें इन वर्णों को बार बार बोलकर अभ्यास करना होगा। अगर आपको इन त्रुटियों से बचना है बच्चों, जो कि बहुत ही सूक्ष्म या छोटी दिखाई देती हैं लेकिन जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो ये बहुत शब्दों के अर्थ में अंतर ला देंगी, और जब आप जैसे जैसे अगली कक्षाओं में बढ़ेंगे तो ये आपके साथ साथ आगे चलती रहेंगी और आपको कभी भी हिंदी
पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से बोलने नहीं आ पाएगी, तो इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इनको दूर करना है, इन त्रुटियों से बचने के लिए, हमें इन वर्णों को बार बार बोलकर अभ्यास करना होगा। इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप बार बार इन वर्णों को बार बार बोलिए, जैसे ट त ट त त त च स च स झ ज झ झ ढ द ढ द, तो इस तरह से आप इनको बार बार बोलिए। इसलिए अब आपको क्या करना है, आपको ट च झ ढ वर्ण से शुरू होने वाले पांच पांच शब्द लिखने और बोल बोल कर उन्हें उनका अभ्यास करना है, और अपने मम्मी पापा को उन शब्दों को दिखाइए और अपने मम्मी पापा को उनको बोल बोल कर दिखाइए। इससे आपका क्या होगा, उच्चारण ठीक होगा। यही एकमात्र उपाय जो मुझे समझ आता है कि बच्चों को इन त्रुटियों से निजात दिलाने के लिए या इन त्रुटियों को या कमियों को दूर करने का एकमात्र उपाय है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये सभी त्रुटियों के बारे में पता लग गया होगा। तो आगे अगले पाठ में, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो अगले पाठ में हम लोग इस पाठ से जुड़े, इस कविता से जुड़े अभ्यास के प्रश्नों को के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से उम्मीद है कि आप सब अपने घर पर अच्छे से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने हाथों को बार बार धोते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।